हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पॉकेट खस्ते की रेसिपी। खस्ता तो आप नॉर्मली जैसे बनाते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप बनाएंगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा कि बहुत ही कुरकुरा बना हुआ है। तो अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर हमने हर चीज़ रेडीमेड ली है। यहाँ पर हमने भुना वाला चना ले लिया है, आधी कटोरी है, और ये भुजिया जो आलू की भुजिया आती है ये हमने लिए आधी कटोरी, और थोड़े से मेवे लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम और किशमिश। यहाँ पर मूंग की दाल ली है हमने, वो भी रेडीमेड है, और बेसन का जो सेव मिलते हैं भुजिया, वो भी रेडीमेड है। तो सब चीज़ हमें ले लेना है। मिक्सी का जार लीजिए, फटाफट सब चीज़ को इसमें डाल लीजिए। सब चीज़ बराबर की क्वांटिटी आपको लेना है, और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और इसको बहुत ही फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा पीसना है। बस दो तीन बार आप घुमाएंगे अच्छे से ये पिस जाएगा। ये देखिए हमारा दरदरा पाउडर बन चुका है, और ड्राई फ्रूट्स को हम काट कर रख लेंगे पहले से ही। इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आपको काजू, किशमिश और बादाम, किशमिश ज़रूर लेना है, इसका फ्लेवर इस खस्ते में बहुत अच्छा आता है। सबको हमने काट लिया बहुत ही महीन, और अब हम मसाले मिलाते हैं। हमने नमक डाला है, गरम मसाला डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, चाहे मस्टर्ड ऑयल डालिए या रिफाइंड डालिए। दो चम्मच हमने डाला है, इसकी बाइंडिंग में ये कवर करेगा, ऐसे बहुत ही ड्राई लगेगा। तो ये आपको देखना है, तो इसका लट्टू बनना चाहिए आपका इस पाउडर का। और खटाई की जगह हम डाल रहे हैं अचार का मसाला। अगर आपके पास आम के अचार का मसाला है तो वो डाल दीजिए, मिर्चे का है तो वो डाल दीजिए। इसको डालने से टेस्ट दुगना हो जाता है, खाने में भी अंदर बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इन कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका ये बहुत अच्छा बनेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिलाकर ढककर रख देते हैं। अब हम आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने मैदा लिया है, और दो से तीन चम्मच हमने देसी घी डाला है मेल्ट करके। थोड़ी सी स्पेस बना लीजिए बीच में, और इस तरीके से आप मोइन के लिए हमें देसी घी डालना है। इससे बहुत ही अंदर क्रिस्पी बनता है, कोई भी आप स्नैक्स बनाओगे तो। अब हमें पानी हल्का सा नॉर्मल, हमने नॉर्मल से थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है, उससे थोड़ा सा अच्छा आटा मलता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, एक साथ नहीं डालना है इसका, थोड़ा सा जैसे रोटी का मलते हैं उससे कड़ा आटा मलना है, बहुत ज़्यादा मुलायम भी नहीं, बहुत कड़ा भी नहीं। और इस तरीके से हमें हाथों की एक्सरसाइज करना है, मतलब हमें इस तरीके से मोड़ना तोड़ना है इस मैदे को। इससे ये स्नैक्स बहुत अच्छे बनते हैं, कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा आपका ये स्नैक्स बनकर तैयार होगा। अब हमें इसे ढककर नहीं रखना है, ये हमारा तैयार हो गया डो। इसमें थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगा लेंगे, और अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा मेरा पूरा वीडियो कि किस तरीके से हम शेप देते हैं। छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं हम मीडियम साइज़ के। आप बहुत छोटा इसको मत बनाइएगा, क्योंकि बहुत छोटा अगर बनाएंगे तो स्टफिंग उसमें कम बढ़ती है। तो हम सजेशन देंगे कि जिस साइज़ में हम बना रहे हैं वैसे ही आप बनाइएगा, किसी भी फेस्टिवल में आप बनाइए। और मेन चीज़, ये जो हमने बैटर इसमें बनाया है इसका, ये महीनों चल जाता है, इसको आप काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो हमने पेड़ा लिया हुआ था इसको एक बार जला लेते हैं। स्टफिंग हमारी तैयार है पहले से। अब हम इसको बहुत ही पतला बेलेंगे, जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला आप बेलिए, मोटा मत बेलिएगा, नहीं तो आपका आटा या मैदा जिससे भी बना रहे हैं वो मुंह में बहुत आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। कॉर्नर्स निकाल लेते हैं, और एक चौकोर शेप दे देते हैं। अब हम कॉर्नर्स में पानी लगाइए, या फिर थोड़ा सा मैदे का घोल भी लगा सकते हैं, और पानी अच्छी क्वांटिटी में लगाइएगा वरना ये खुल सकता है। एक चम्मच भरते हैं, स्टफिंग आप ज़्यादा भरिएगा, और बिल्कुल सेंटर में भरिएगा। अब ये देखिए हम कैसे इसको मोड़ रहे हैं, एक साइड से मोड़िए, बिल्कुल सामने वाला इसके ऊपर रखिए, बहुत ही आराम से ये चिपक जाता है। एक नीचे वाले हिस्से को ऐसे रखिए, और ऊपर वाले को इधर से लाकर घुमा दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वरना सेकंड थर्ड जो बनाएंगे आप बहुत अच्छे से बनते हैं। और इसको अच्छे से आपको कवर कर देना, नहीं तो खुल सकता है। इसी तरीके से हम सारे बना लेते हैं।
एक और बना के आपको दिखाते हैं। और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, आप इसको बनाकर पहले से किसी भी फेस्टिवल में आप बनाकर पहले से भी रख सकते हो। अब हम थोड़ा सा ऑयल हमने तेज़ रखा है क्योंकि बिल्कुल धीमे में नहीं डालना है, और जस्ट डालने के बाद आपको बिल्कुल मीडियम कर देना है आँच को। अगर आप तेज़ आँच पर उतार दोगे तो ये ऊपर से बिल्कुल अंदर से बिल्कुल कच्चे रहेंगे, ऊपर से आपको दिखेगा कि ये लाल लाल सिक गए हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, धीमी आँच पे इसको सेकिएगा बिल्कुल। और प्लीज़ अगर हमारे रेसिपी पसंद आती है, मेरे चैनल पे आप लोग विज़िट कर सकते हो, अच्छी अच्छी रेसिपियाँ वहाँ पर हैं, तो प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा नलिनी टंडन रेसिपीज़ को। और आप जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत ही धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए। ये देखिए हमारे निकल आए, स्नैक्स बनकर तैयार हो गए।